तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे में हर भर्ती की न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। नीचे वाला कोई भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ऊपर वाला ऑप्शन ऑल सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, आज 15 अक्टूबर 2023 रविवार, संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका, करियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 15 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। भूपेन यादव का ट्यूट रीट सूची 5000 पदों पर, और आचार संहिता के बाद पशु परिचर भर्ती की प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी। रेडियोग्राफर 2020, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती सहित रीट 5000 पदों को लेकर, परिणाम को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड अधिकारियों का बयान, चुनाव आयोग से अनुमति लेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से युवा लगा रहे हैं गुहार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के खिलाफ युवाओं ने खोल रखा है मोर्चा। राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष के युवा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से ट्विटर के जरिए सीईटी में 15 गुना परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। 63 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में 105 पद स्वीकार थे। बीकानेर सेकेंड ग्रेड के और अन्य पद सर्जित। गहलोत बोले, कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी मेंबर बनाना दुर्भाग्यपूर्ण घटना। उनको वापस बुलाकर बातचीत का प्रयास किया लेकिन वो आ ही नहीं रहे। राजस्थान में एक और सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कराया 16 लोगों पर केस दर्ज। जयपुर बाईस अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के 5 से 7 किलोमीटर में हिंदी स्कूल ही नहीं, 1931 बच्चे स्कूल छोड़ेंगे। भीलवाड़ा लेक्चर के इंटरव्यू 19 व 20 को आरपीएससी अजमेर। नवनियुक्त टीचरों के वेतन संबंधी परेशानियों को शीघ्र समाधान की मांग की। राजस्थान शिक्षक पंचायती राज कर्मचारी संघ के जिला अधिवेशन का समापन सागवाड़ा। दूसरे दिन हुआ खुला सत्र, सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव। शिक्षक बोले, खाली पदों का विकल्प नहीं डिजिटल शिक्षण, खाली पदों को शीघ्र भरे शिक्षा विभाग। बीकानेर भास्कर न्यूज। बड़ा बयान, वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के 30% से अधिक पद खाली चल रहे हैं। शिक्षा विभाग खाली पदों के भरने के बजाय डिजिटल शिक्षण पर फोकस कर रहा है। इसके अलावा 48,000 पद भरने के बाद भी नई रीट भर्ती निकाले। अधिवेशन में ये प्रस्ताव हुए पारित, स्कूलों में सभी खाली पद भरे जाए, बकाया डीपीसी भी जल्द की जाए, स्कूलों में जितनी कक्षा उतने शिक्षक पद दी जाए। इसके अलावा थर्ड ग्रेड नियुक्ति को लेकर आचार संहिता के कारण नवचयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग अटक गई है, छात्रहित में शीघ्र ज्वाइनिंग कराई जाए। शारीरिक शिक्षक भर्ती, 16 अभ्यर्थियों ने दूसरे की फोटो लगाकर एग्जाम दिलवाया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021, पटवारी भर्ती 2021, सम्मान पात्रता परीक्षा 2022, कनिष्ठ अभियंता 2022 में खुद की फोटो से भर्ती परीक्षा दी थी। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 16 अक्टूबर से करे आवेदन। अब 24,797 पदों पर होगी राजस्थान में नई भर्ती।
राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड बैंकिंग असिस्टेंट के 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती। हाई कोर्ट ने शिक्षकों के चयन पर 19 तक मांगा जवाब। राजस्थान पत्रिका न्यूज, शिक्षा विभाग जयपुर। शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर शिक्षा के सिलेबस में शामिल किया चैप्टर। 8वीं तक के 67 लाख बच्चों को सिखाया जाएगा साइबर सेफ्टी का पाठ। राजस्थान पत्रिका न्यूज। यहां शिक्षक छुट्टी पर जाते हैं तो पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाता है एआई टीचर। राजस्थान पत्रिका न्यूज खंडवा। राजस्थान मदरसा बोर्ड का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी। भरे जाएंगे 6843 पद। नवोदय अगले सत्र में कक्षा 9 व 11 की खाली सीटों के लिए मांगे आवेदन। बैंक में ट्रेनी कलर के पदों पर भर्ती। फरवरी में होगी एसएससी की ये परीक्षाएं। एग्जाम कैलेंडर जारी। इंडियन नेवी में अफसरों के 224 पदों पर भर्ती। शिक्षकों के मंच पर तृतीय श्रेणी के स्थानांतरण का मुद्दा उठाया। शिक्षक अधिवेशन में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की टीस अभी सभी को थी। बीकानेर शिक्षा विभाग। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाएंगे डूंगरपुर। सरकारी स्कूलों में अब पहली कक्षा से कंप्यूटर, तीसरी से एआई, साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ाएंगे पाली। भास्कर न्यूज। सम्मेलन में बीएलओ सहित शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की रखी मांग डीडवाना। सीबीएसई केंद्रीय सेक्टर स्कॉलरशिप योजना की आवेदन शुरू। 31 दिसंबर अंतिम तिथि बीकानेर। शिक्षक सम्मेलन शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा। शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने पर जोर अलवर। इसके अलावा 2008 के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने सहित कई मांगे रखी गई। सीबीएसई केंद्रीय सेक्टर स्कॉलरशिप के आवेदन शुरू। शिक्षक बोले, हमें शिक्षक ही रहने दो, बच्चों को पढ़ाने दो। मिड डे मील, दूध वितरण सहित सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। शिक्षकों की समस्याओं और निवारण पर हुआ मंथन। 61वां जिला शैक्षिक सम्मेलन का हुआ आयोजन बीकानेर। 3.25 घंटे में विद्यार्थियों को हल करने होंगे 45 प्रश्न। 9वीं 11वीं में 70% तथा 10वीं में 12वीं में 100% पाठ्यक्रमों से पूछे जाएंगे प्रश्न। नवज्योति कोटा। कैट एडमिट कार्ड 25 को जारी चित्तौड़गढ़। विधि कॉलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। आवेदन की अंतिम तिथि 21 सिरोही। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान का परिणाम जारी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। स्नातक पाठ्यक्रम ऑफलाइन काउंसलिंग 17 को वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले का मुद्दा राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में शामिल करे। शैक्षिक सम्मेलन में जोर शोर से उठाया मामला, पारित हुआ प्रस्ताव। राजस्थान पत्रिका न्यूज बीकानेर थर्ड ग्रेड।